सागर जिले में प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर समरसता यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जल व मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। जहां अब यह यात्रा पन्ना जिले के अजयगढ़ पहुंची, जहां शहर वासियों के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की समरसता यात्रा कई विधानसभा में भ्रमण करते हुए पहुंची, जहां पर सामुदायिक भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरसता यात्रा के दौरान ग्रामवासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। आज ये यात्रा वहां तक आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये समरसता यात्रा आज अजयगढ़ आई थी हमारी सम्माननीय जनपद की नगर परिषद की अध्यक्ष और हमारे सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस यात्रा का उद्देश्य समाज समरस हो और जो माननीय शिवराज जी भाई साहब ने घोषणा की थी कि संत रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ रुपए का सागर में बनेगा, उसका भूमि पूजन 12 तारीख को होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ की मट्टी और यहाँ का जल, जहाँ इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष संजय सुल्लेरे, मंडल अध्यक्ष गोविंद बबलू कुशवाहा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार जैन, जनपद पंचायत प्रतिनिधि मोहन यादव, महामंत्री राजेंद्र खटीक व धनंजय मिश्रा, हीरालाल गुप्ता, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सीमा तिवारी, किरण तिवारी, अवध तिवारी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पन्ना।